सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है महिमा अरोड़ा ते तुसी वेख रहे हो आवाज़ पंजाबी। अज दियां खबरां कुछ इस प्रकार। पटियाला देहाती तो आप विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह उन्हां दी पत्नी अते पुत्तर ते एक होर कुटमार दे मामले विच 3 साल की कैद अते 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने आप विधायक बलबीर सिंह ते बाकियां नूं 50,000 दे मुचकुले नाल जमानत दे दिती है। मामला 2011 विच भैण भरावां दे जमीनी विवाद नूं लैके झगड़े ते है। पंजाब कैबिनेट तो सेहत मंत्री विजय सिंगला दी छुट्टी तो बाद उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार दे इल्जामां तो बाद कीती गई। सिंगला उपर 1% कमिशन मंगण दे दोष लगे हन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुक्मां तो बाद पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कीती अते उस तो बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दसिया कि कैबिनेट मंत्री ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मान ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं ते सिंगला खिलाफ अधिकारत कॉन्ट्रैक्ट च 1% कमीशन मंगने की शिकायत आई सी, जिस तो बाद यह कार्रवाई की गई। जिक्रयोग है कि विजय सिंगला ने मानसा तो विधानसभा चोण ते कांग्रेस दे सिद्धू मूसेवाले खिलाफ लड़े सी अते जीते सी। भगवंत मान ने कहा कि जदों तक भारत विच अरविंद केजरीवाल वर्गी मां दे पुत्तर अते भगवंत मान वर्गे सिपाही हन, भ्रष्टाचार खिलाफ महान जंग जारी रहेगी। अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों पंजाबियों नूं आधुनिक हथियार रखण दी अपील ते हंगामा मच गया है। उन्हां देश अते पंजाब दे हालात दा हवाला दिंदिआं सिख भाईचारे दे लोकां नूं लाइसेंस हथियार रखण दी सलाह दित्ती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਬਤ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।